दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, होंडा सिटी 2021 और ये अब शेप चलनी है पाकिस्तान में कम से कम 5 से 6 साल। वीडियो में मैंने देर ज़रूर की क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, जब तक आप उसके बारे में रिव्यू तो आपने काफ़ी देखे होंगे, मैं रिव्यू नहीं है दोस्तों, ये इट्स नॉट रिव्यू, इट्स टोटली डिफरेंट ओपिनियन और ये मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड। तो ये कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और तो और बने रहिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं कि आपको काफ़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले होंडा पाकिस्तान को इसमें अप्रिशिएट किया जाएगा कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए काफ़ी देर लगा दी, मगर ये कि गाड़ी आखिरकार लॉन्च कर दी है। दोस्तों शेप देखी जाए, मैं बता रहा हूँ मैं रिव्यू नहीं दूँगा, जो लोगों ने आपको रिव्यूज़ दिए हैं मैं वो चीज़ नहीं दूंगा, ये वीडियो टोटल डिफरेंट है, ये ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में है, ठीक है। और इसका वैसे भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा कि इस टाइम क्या हिसाब किताब इसका चल रहा है, अगर आपने बुक करवानी हो इसकी क्या प्राइस है, क्या इस पर ऑन है, क्या इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सारा कुछ तो देख लिया हुआ है, तो ये कि ये इसलिए चैनल का आपको पता मोटिव भी है डिफरेंट रिव्यू, तो इसलिए डिफरेंट इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों ये गाड़ी अब जनरेशन आपको सबको पता 6 है, ठीक है। बात यह की जाएगी कि इस टाइम इस पर इसमें 2 हैं 1200 1500, ठीक है। इसमें जो 1200 वाली है उस पर तकरीबन इस टाइम 2 से 2.5 लाख रुपया ऑन चल रहा है, ठीक है। और जो इसमें आती है 1500 ऑटो एस्पायर जो, ठीक है, उस पर चल रहा है तकरीबन 2.5 से 3.5 लाख के दरमियान मार्केट में, ठीक है। दोस्तों प्राइस लिस्ट ये मेरे पास है सारी, ठीक है, आपने सारा कुछ देखा होगा। और ये है कि इसमें अगर फाइलर का अगर 1200 लेते हो आप, ठीक है, तो 25,000 ऐड होता है और 50,000 नॉन फाइलर का, ठीक है। ये सारा कुछ है दोस्तों, ये मेरी नहीं, ये होंडा की इनवॉइसेज हैं, ठीक है। और ये है कि इसमें ये देख लो इन्होंने ऐड करके भी बताया हुआ है, ओरिजिनल प्राइस जो है उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। फाइलर का 1200 में 25 और जो दूसरी है उसमें 50, ठीक है, और जो 1500 सीसी वाली उसमें 50,000 फाइलर का, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, और 1,00,000 रुपया नॉन फाइलर का, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी देखते हैं अब, इस पर सारा कुछ इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। शोर के बारे में ये कि माजरत दोस्तों, क्वालिटी और इसकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना होंडा BRV से मिलती हैं। इसमें जो इंजन है ना 1500 वाला वो होंडा BRV का है, TV भी तकरीबन मोर और लेस होंडा BRV का है, ठीक है। 1500 वाली जो लोडेड है उसका ये पैनल भी सारा BRV का है, ठीक है। ये अगर स्टेयरिंग की क्वालिटी देखो, और एक और बात, हाँ ये मीटर भी BRV का है, मैं आपको ये भी बता दूँ, BRV का ये मीटर भी BRV का है। तो ये कि काफ़ी तक चीज़ें इसकी BRV से मिलती जुलती हैं क्योंकि एक ही फैमिली की कार है, और ये अच्छी चीज़ है इन्होंने कौन दे दी है उसमें नहीं था, ठीक है। स्टेयरिंग इसका जो है ना काफ़ी तक वीजल जैसा लगता है, जिसके पास वीजल है वो ये बेहतर जानता है। इसकी जो बटन की क्वालिटी है ना वो काफ़ी हद तक मिलती है होंडा वीजल से, और अच्छा है ये, बहुत अच्छी चीज़ है। 2 एयरबैग दे दी हैं, अच्छी चीज़ है इन्होंने दी है। और ये भी काफ़ी हद तक अगर इसका गियर नॉब देखा जाए होंडा BRV से मिलता जुलता है। हाँ यहाँ मुझे ये ज़रूर है कि यार ऑटो दे देते ऑटो क्लाइमेट तो बेस्ट हो जाता, माहौल भी बन जाता। अब AC का बटन ये है कि काफ़ी पीछे करके दिया है, वैसे अच्छा है, मतलब ये कि क्वालिटी इसकी अच्छी है, मगर ये थोड़ा पीछे करके दिया है, ठीक है। लोग खड़े हैं जी गाड़ी देखने के लिए, हम यहाँ बैठे वीडियो बना रहे हैं, ये भी देख रहे हो बटन अच्छे हैं, फिर ये पावर आउटलेट देखा, मैंने बताया ना मैं कोशिश वो करूँगा जो आपको वो चीज़ें बताऊँ जो लोगों ने नहीं बताई। दोस्तों एक चीज़ का बड़ा है, ये रबटिंग बहुत बुरी है, ये BRV में भी होंडा सिविक में भी, ये देख रहे हो ये रबट, और ये चीज़ें थोड़ी लीस्ट क्वालिटी की हैं, ठीक है, ये अच्छी नहीं है, ये लीस क्वालिटी के हैं, मतलब ये साउंडलेस नहीं है। आपको बाहर से सारी आवाज़ें आ रही हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। ये बटन भी काफ़ी हद तक अगर आप देखो, मैंने बताया ना काफ़ी रिजेंबलेंस इसकी, ये वाले बटन जो है होंडा BRV से, ये अच्छी चीज़ है। स्पीकर इधर दे दिया है, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों इस पर अगर आप बुक करवाते हो अभी 1200 CC कराओ या 1500, ये आपको 6 माह में मिलेगी, ठीक है, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 6 सितंबर 2021, ठीक है। तो ये गाड़ी दोस्तों आपको मिलेगी आज अगर आप बुक करवाते हो, आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के एंड में ये मिलेगी, हो सकता है आपको मार्च से ये अप्रैल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ऑन इस पर मैंने बताया 1500 वाली जो है, ये 1200 वाली जो है उस पर चल रहा है 2 से 2.5 लाख, ठीक है, इस टाइम।
और ये आपको शोरूम से भी ऑन मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ऐड से ही देखो। एक चीज़ दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने सीटें अच्छी कर दी हैं, ठीक है, सीटें अच्छी कर दी हैं, ये कंसोल भी दे दी है, ये भी अच्छी बात है। हैंड ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, मगर ये जो अगर ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग या कोई लड़के छड़के आपको पता कर देते हैं उसके हिसाब से ये है कि ये ठीक है, फुट ब्रेक में वो चीज़ें नहीं होती, तो ये शुगल जो है ये इसमें होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ देखी जाए इसकी, ये भी काफ़ी हद तक दोस्तों BRV, ये पूरी अगर ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये भी BRV से मिलता है। विंड स्क्रीन भी वन वो है, फिर ये LED दे देते बेहतर था, थोड़े ज़रा ऑप्शन फीचर ज़रा शशके हो जाते, ये भी टोटल BRV वाला ये चीज़ जो है, ठीक है। ये भी मैंने बताया ना काफ़ी इसका सामान होंडा सिटी जो पुरानी वाली थी वो होंडा BRV से मिलता जुलता है। सिविक से नहीं आप कह सकते, ये बहुत मगर अच्छी चीज़ है, सिविक के भी मैं चाहता हूँ ये बदल जाए कंट्रोलर तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। बाकी LCD का ये है कि पुरानी वाली का स्टक होता था, ठीक है, BRV का भी बहुत स्टक होता है, अब वाली जो है इसका मुझे नहीं पता, मगर है ये तकरीबन मोर और लेस वही है, थोड़ा साइज़ छोटा है, चीज़ वही है। तो ये हिसाब किताब है, ये अच्छा USB पोर्ट भी है इन्होंने, मतलब ये शुगल भी बना दिया, ठीक है। और तो और दोस्तों ये गाड़ी आप होंडा आपके शहर में होगा वहाँ कहीं से भी बुक करवा सकते हो, ठीक है। इसके इंजन की वारंटी होती है, ठीक है, बाकी और इस तरह की इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ की नहीं होती। ये अगर आप इसमें HIDs लगवा लो, ये करा लो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई LED का कोई मतलब शुगल नहीं दिया। तो दोस्तों लोग खड़े हैं, वो मेरा ही इंतज़ार करें कि हम बाहर निकलें। सीट दोस्तों एक और चीज़ है इसमें, ये कि लेग स्पेस अच्छी है, मैं आपको बताऊँ लेग स्पेस अच्छी डिगी है। और दोस्तों प्राइस इसकी जो मैं बता रहा हूँ ना मिनिमम आपके पास ये 25,06,000 में, आप अगर फाइलर हो 25,000, नॉन फाइलर हो तो 50,000 ऐड कर लो। और फिर नंबर के भी हैं इसमें पैसे भाई, नंबर के भी आपने ऐड करने हैं, ठीक है। तो नंबर के भी आप इसमें मतलब ये है कि 60-65-70,000 रुपया इसमें रखो ऑन ग्राउंड। आपको ये गाड़ी अगर ये जो 26 की है तो ये ऑन ग्राउंड मतलब घर तक आपके ये गाड़ी आपको कुछ नहीं तो 27-27,5 तक की पड़ जाएगी, ये हकीकत है। और दोस्तों डॉलर बढ़ रहा है, एक और चीज़ इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉलर बढ़ रहा है। ये इनवॉइस अभी 26 है ना आजकल, और ये 28 वाली लिखी हुई है, ये आप नेक्स्ट टाइम देखोगे ये 26 की जगह 27 होगी या 26.5 होगी, ठीक है। ये डॉलर का क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है, काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, इंजन चंजन इसमें और भी बहुत चीज़ें, इंजन गियर इसकी और एसेसरीज जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं और कुछ लोकली बनती हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस अभी जो है वो उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर रोज़ का बढ़ रहा है और ये गवर्नमेंट से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये एक रियलिटी, बाकी बटन अच्छे दे दिए, मुझे इसका बड़ा इतराज़ था, ये देख रहे हो नॉब, ये अच्छी बेहतर क्वालिटी, और ये इसके मतलब भी इन्होंने फ्यूल वाला बटन ये भी अच्छे दे दिए हैं, ये वाला बटन जो है ना ये भी अच्छे दे दिए हैं, ये फ्यूल वाला ठीक है, ये भी अच्छा है कि इन्होंने चेसिस नंबर के लिए ना ये देख रहे हो इसमें होता है, तो ये भी अच्छा है, मगर ये बटन ये सारे BRV के हैं, ठीक है। गाड़ी अच्छी है नो डाउट, मतलब इसको कह सकते हैं। और ये ऊंची भी है दोस्तों, ये गाड़ी ऊंची भी है पुरानी सिटी से ना, ऊंची है थोड़ी सी, ये इस तरह है कि इसकी क्लियरेंस जो है ना, क्लियरेंस इसकी जो है ऊंची है थोड़ी। अब ये देख रहे हो ये कि ये ऊंची है इसकी क्लियरेंस, फिर ये शार्प एंटीना अच्छी चीज़ है, मगर दोस्तों एक चीज़ है ये देख रहे हो पीछे से, ये इसमें आपको इधर खोलने का ये के बटन नहीं है, मतलब इधर ये अभी आपने खोलना है तो इसके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाली जो है 1500 मैनुअल में वो देख रहे हैं, ये आ जाती है 1200 वाली है मेरा ख्याल है CVT, क्योंकि लिखा इन्होंने नहीं है 1.5 या 1.3। तो ये सिनेरियो है दोस्तों, इसमें ये कि टायर कैप दिए हैं, रिम हो जाते ज़रा बेस्ट था। अब इंजन का भी आपको दिखा देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना ये देखो दोस्तों, ये वही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये होंडा जिसके पास BRV है ना या सिविक है वो ये बेहतर जानता है, ये पुरानी सिटी थी वो बेहतर जानता है, ये वही है सारा इंजन इसकी काफ़ी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये इवन बैटरी भी वही है, तो बाकी लाइट्स अच्छी हैं, मगर फुल LEDs नहीं है इन्होंने, ये है कि ये चीज़ वैल्यू टू मनी नहीं है कि LEDs नहीं है, ठीक है। शेप अच्छी है, आपको काफ़ी हद तक सिविक से मिलती जुलती लगती है। नई जनरेशन लॉन्च करनी थी, मगर दोस्तों अगर वो करते तो वो 45-50 लाख के दरमियान होती वो वाली ना, इसलिए नहीं की क्योंकि अभी उसकी दूसरी बात ये भी कि अभी उसकी जो मशीनरी है वो महंगी है, उसकी रोबोटिक्स जो है वो महंगी है, जहाँ बनती है ना तो वो चीज़ वो उसका जो वो अरबों में है, मतलब आपका को 8-10 अरब की उसकी वो प्लांट असेंबली है पूरी, इसकी है कोई महज 4-5 अरब की, ये दोस्तों कोई बात नहीं आपको बताएगा, ठीक है।
बल्कि इससे कम ही है, थोड़ी सी इससे कम है, क्योंकि ड्यूटीज़ है और टैक्सेस पढ़ के ये सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। तो अब ये कि अगर वो लॉन्च करते तो वो 45 से 50 के नेड़े गेड़े में, मतलब आपको 42-43 की शादी होती है, और जो दूसरी गाड़ी वो 50 लाख की होती, जो कि इधर कोई भी ना लेता, तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती तो मामला हल हो जाता, ड्यूटीज़ टैक्सेस कम कर देती तो बस इधर फिर लोग भी वही लेते हैं। दूसरी एक और चीज़ दोस्तों इसमें यह है कि ये इधर फ्रंट कैमरा बम्पर सेंसर नहीं है दोस्तों, ये चीज़ होनी चाहिए, फ्रंट कैमरा बम्पर सेंसर नहीं है, ये सीन ज़रा बैड है। इसमें रेम है ये 1500 वाली है, ठीक है, ये आ जाती है 1500 वाली, और ये इसके ब्रोशर भी इधर लगे हैं सारा कुछ, इसमें स्मार्ट एंट्री भी आ जाती है, ठीक है, 1500 एस्पायर, और मगर ये चीज़ है कि ये मैनुअल में है, ठीक है। ये देख रहे हो ये वही चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये वो BRV वाला पैनल ही है। और अब ये भी दिखाते हैं 1500, ये 1500 है, ये भी सेम, आप देख लो, आपको इंजन भी इसका खोल के दिखा देते हैं, और दोस्तों कोशिश यही है कि इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। ये देख लो इसका भी इंजन, ठीक है, ये हिसाब किताब है, ये सिनेरियो है, टोटल इसका है कि BRV से मिलता जुलता रिजेंबलेंस है सारा। हाँ देख लो देख लो, बाकी ये है कि इसमें भी इन्होंने, ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ है कि मैंने आपको वो बातें बताई जो कम लोगों ने बताई हैं, ठीक है, ये तो सिविक है, इसका नहीं अभी दिखाना। दोस्तों ये तकरीबन वीडियो थी हमारी, मगर एक चीज़ ज़रूर है, डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है कि ये गाड़ी लेट आई है और विद फुल फीचर्स नहीं आई। अगर आप जैपनीज़ होंडा सिटी देखो, जिसको होंडा ग्रेस बोलते हैं, उसके फ़ीचर और इसके फ़ीचर, और इसकी प्राइस तकरीबन 35-36 इवन 4 मिलियन तक भी है, 3 मिलियन से शुरू होती है, 4 मिलियन तक है, ठीक है, वो गाड़ी दोस्तों बहुत बेहतर है, ठीक, वो बहुत बेहतर है, मगर ये कि ये अब लोकल में है। और पार्ट्स का एक और चीज़, पार्ट्स इसके दोस्तों ऑलरेडी मार्केट में, क्योंकि होंडा ग्रेस के नाम से ये आती है, ठीक है, होंडा ग्रेस के नाम से ये आती है जापान में, तो इसके पार्ट बिलालगंज, लाहौर में बिलालगंज, और इस्लामाबाद में लालकू, और ये जो दूसरा है कराची में, वो जो इसका वो मार्केट है कौन सी स्क्रैप की, उधर से आपको इसके सारे पार्ट मिल जाएंगे। अभी देखो इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों, ये चीज़ तंग करती है, अच्छी नहीं लगती, मैनुअल होना नहीं चाहिए, मगर हाँ ये चीज़ है कि कोई ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग करना चाहता है हल्ला गुल्ला, उसके लिए 1500 सीसी इंजन में मैनुअल गियर और साथ में ये ब्रेक है, ये चीज़ है उसके लिए, ये उसके लिए दो चीज़ें इंटरेस्ट की हैं। अक्सर लड़के शुगल हल्ला गुल्ला में आपको पता कर ही देते हैं। स्टेयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगा पुरानी सिटी से, और ये इसकी ये कि क्वालिटी अच्छी है, बट ये मीटर चेंज कर देते दोस्तों, मीटर वही है BRV वाला, ये अच्छा है। ये सारा कुछ आपको लोगों ने बताया, मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें नहीं बताएंगे। और ये इन्होंने है ये टोटल भी अंदर से BRV वाला, मगर इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, तकरीबन मैं बता रहा हूँ वही है, बटन भी वही है, ये सिविक वाला ये वही पुश स्टार्ट बटन है, क्योंकि मैं बता ना एक ही फैमिली की गाड़ियाँ, TV थोड़ा सा इसका बड़ा कर दिया है, तो नॉट बैड, अच्छी चीज़ है, होंडा को अप्रिशिएट करना चाहिए दोस्तों। और ये वो रियलिटीज़ हैं, अगर अब मैं बताता हूँ, ऑन इस पर चल रहा है, ठीक है, 1500 मैनुअल है, इस पर भी तकरीबन आपको 2.5 लाख ऑन पे ये मिलेगी शोरूम से या ऐड पे जहाँ से ले लो, ठीक है, 2.5 मतलब 3 मांगते हैं, 2.5 पे आपको बात आपकी हो जाएगी, ठीक है। और इसका अगर आज आप बुक करवाते हो सितंबर के बाद, यानी आज 6 है, तो ये आपको मिलेगी मार्च के एंड में, ठीक है, और ये महीना 15 दिन और लेट हो सकती है। और इसका पे ऑर्डर आपको 10 लाख का, 1500 का 12 लाख का, और 1200 सीसी का 10 लाख का पे ऑर्डर आपको होंडा एटलस के नाम पे बना के लाना है, ठीक है, ये तब आप ले सकते हो। और गाड़ी लेट हो सकती है क्योंकि आजकल वो माइक्रोचिप्स का इशू चल रहा है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ दुनिया भर में, ठीक है दोस्तों। होंडा के शोरूम खड़ा होकर बात आ रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। और ये है कि मैंने इसलिए मैंने था ना, मैंने वो रिव्यू नहीं किया, मैंने टोटल एक डिफरेंट आपको इसकी बातें बताई हैं जो कम लोगों ने बताई हैं या बिल्कुल नहीं बताई, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा, इंशाल्लाह सी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और ये रिकमेंडेड दोस्तों, मैं अब मेरी नज़र से क्या आप कहें, अब आप ये पूछो कि आप क्या कहते हो, लो या ना लो, मेरे कहने से आपने कौन सा मानना, आप हज़ारों इन्वेस्टरों ने बुक करवाई हुई हैं, ऑन पे बेच रहे हैं, तो हमारे कहने से क्या होना है, आपकी मर्ज़ी है। गाड़ी ये कि ठीक है इस प्राइस में, ये कि अच्छी गाड़ी है, ठीक है आप कह लो कि, मगर ऑप्शन होते, फ़ीचर होते तो बेहतर थी ज़्यादा। और ये जैपनीज़ जो ग्रेस है उससे मुझे थोड़ी ऊंची लगी है,
ठीक है, अभी मैंने इसका नेट पे नहीं देखा इसका क्या हिसाब किताब है, इसकी क्या वो जो हाइट होती है डायमेंशन होती हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, अपना ज़रा देसी वाला स्टाइल है जो आम बंदे की नज़र में, आम बंदे की समझ में चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, हमने वो वीडियो नहीं बनाई कि जो मुश्किल आपको मैं बता दूँ इसका टॉर कितना है, वो है वो समझ नहीं आती भाई, लोगों को ये नहीं पता टॉर क्या होता है, हैं व्हील बेस क्या होता है, समझ रहे हो आप, हाइट क्या होती है उनको अक्सर ये नहीं पता, हाइट इंग्लिश में क्या होता है मतलब, समझ रहे हो आप। तो ये रोले रप्पे होते हैं दोस्तों, ये शुगल मेले होते हैं, तो अपने हम सब भाइयों के लिए बनाते हैं वीडियो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों होंडा के शोरूम पे बनाई है, कोई वॉइस मैंने इसमें बाद में नहीं डाली। एक और चीज़ ये इसका अच्छा है, इन्होंने ये अच्छी चीज़ है, ये मतलब ख़राब जल्दी नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मैं कह सकता हूँ, ये ख़राब इसका कलर जल्दी नहीं होगा, ये बेहतर थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर कर दी है, ये भी चीज़ नहीं ख़राब होगी। आगे ये सिल्वर जो है इसमें ये ख़राब इसका है, ठीक है, इसका चांस है, तो वो मैंने आपको बातें बताई हैं। और ये भी BRV वाला है, ठीक है, ये बटन जो है ये भी BRV वाला है। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों टोटल वीडियो कंप्लीट हो गई है, एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, आपको पता है मैं थोड़ी सी आदत है ज़रा खींच लेते हैं मज़ीद, तो ये दोस्तों हिसाब किताब। ठीक है, और आखिरी चीज़ जाते आते वैसे तो आपने डिग्गी देखी है, उसको दिखाने का मेरा नहीं ख्याल फ़ायदा है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा लेते हैं, दुआ में रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डिग्गी इसकी खुली है, ठीक है, स्पेशियस है पहले से भी, ठीक है, और ये कि नीचे नहीं लगती, अगर चार बंदे बैठ जाएँ, पाँच बैठ जाएँ तो फिर लगेगी, चार भी बैठ जाएँ, अगर भारी बंदे बैठ जाएँ नीचे ज़रूर लगेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मगर ये पुरानी से थोड़ी सी ऊपर है। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून। चलो भाई, हुन निकली है, इस तो पहले ही सानू कड्डी कड्डन शोरूम वाले के तुसी निकलते नहीं पे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।